तो गाइज ये सामान मेरा आप दे सकते हो, ये एक्चुअली मेरा पाउच है, इसके अंदर मैं अपना ये परफ्यूम, मोबाइल का चार्जर, पेन है रख लेता हूँ यार, कुछ लिखना पड़ता है, पावर बैंक, वॉलेट, गॉगल, लैपटॉप, लैपटॉप इसलिए जो सपोज क्या हो गया बेटा, क्या हुआ, ऊपर लेना है, अभी ले रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, ये बच्चा ऊपर आने के लिए कह रहा है, अभी ले रहा हूँ, रुको अभी ले रहा हूँ, अभी ले रहा हूँ, रुक जाओ। तो लैपटॉप इसलिए क्योंकि मान लो अगर लेट हो गया तो ऑफिस में कर दे लूँगा एटलीस्ट। और ये रहा माउस और सेल, एक सेल ऑलरेडी पड़ा हुआ इसके अंदर। सो गाइज वेरी गुड इवनिंग, ये होता है भाई, कहाँ ले जा रहे हो आज भाई? आज तो भाई देखते हैं कहाँ पर जाते हैं, सामान दिखा दो भाई क्या क्या लेके जा रहे हैं। ये देखो लैपटॉप, चार्जर, पर्स कहाँ गया हमारा महिला वाला? गाइस ये हमारा पाउच, फाद भाई कह रहा है कि ये गांव में लेके जा रहा है मगर पता नहीं आगे से क्या मूड बनता है। एक्चुअली गाइस आज हमारा प्रोग्राम बना है चक्राता जाने का, सुनने में आया किसमें फॉलो रही है, तो देखते हैं इसमें फॉलो रही होगी तो। तो गाइस हम गैरेज पे आ चुके हैं, कहाँ लगा रहे भाई? भाई साहब हमारा गैरेज निकल गया पीछे, उतर जाओ भाई साहब, क्या लोगे उतरने का? हम अभी लैपटॉप है मेरे हाथ में यार, बैग में डाल के नहीं लाया वैसे, रुक जाओ सेकंड, पाउच कहाँ है, इसमें चाबी है गैरेज की, यार ये मेरी तो एक चार्जर है गिर गया, ये मेरी हुडी है गाइस उल्टी हो रही, मैं पहन नहीं रखी, मैंने चादर उड़ रखी है। हुसैब भाई कॉलोनी दैट इज गैरेज, हा हा हा। अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी है गाइस, अभी खुला है एक ताला, एक खुल रहा है, मैं डांग रहा हूँ लॉक को निकाल लेना से, बस लॉक पकड़ो चाबी छोड़ो गाड़ी की। तो ये खड़ा गाइस हमारा वाहन, लेट्स रन रैपिड फर्स्ट, गाइस चार्ज लाओ जब भी। तो लैपटॉप को डालूंगा मैं यहाँ पीछे पाउच में, डाल लिया मैंने यहाँ पे पाउच में। तो गाइस अभी लॉक वगैरह लगा रहे हैं, जैसे कहाँ रखा है सामने ही। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपने गैरेज से और अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, रात के 11 बज रहे हैं। अंकल आ गए, चाचा आ गए मेरे सामने, चाचा कम ऑन यार व्हाट यू डूइंग ओवर देयर, 4000 पेट्रोल डाल दीजिए, चाबी चाहिए सर, लीजिए सर। तो ये हो चुका है 4000 का 41 लीटर। गाइज हम लोग बिजनौर से निकल गए हैं, अभी टाइम हो रहा है 11:53, यू कैन सी हेयर। हाथी बहुत है यहाँ, अब तो बहुत कम हो गए, और क्या बोल ट्रक हो पे, इन चीजों पे गाड़ी हो पे, जहरामी हो हाथी भाई, जंगली हाथी ना, हाथी दिखे दूर से पहले ही गाड़ी बैक ले लो, इलाका शुरू हो गया, हाँ हाथियों का इलाका है पूरा। तो गाइस हम आ चुके हैं चिड़ियापुर और अभी यहाँ चाय पियेंगे चिड़ियापुर में, टाइम मैं आपको अभी बताता हूँ, 1:19 हो रहे हैं सुबह के, हम चाय पीने के लिए रुके अभी। जी चाय बना दो, चाय चार भाई कड़क बना देना, तो चाय आ चुकी है गाइस, चाय चाहिया चल चाहिया चाहिया। तो गाइस हम चाय पी के निकल गए हैं अभी हरिद्वार के लिए, और हरिद्वार यहाँ से 15-20 या 25 किलोमीटर होगा, पता नहीं कितना है। लाइट बंद करके बनाओ इसकी वीडियो, आंखें चमकेगी इसकी, आंखें थोड़ी चमकानी है गाइस, ये देखो जंगली बिल्ली, जो बिल्ली वो तो थैंक यू फॉर गिविंग द पोज। तो गाइस हम लोग देहरादून पहुंच चुके हैं, टाइम अभी हो रहा है 3:19, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा कौन सा, हाँ देखो पन्नी से जो चमक रही,
ये वाली है, ये हाँ, ये मसूरी है भाई, पन्नी ना है ये। अच्छे गाड़ी में तो ऐसा ही लग रहा भाई जैसे पन्नी हो भाई, लाइट जल रही है वो मसूरी सजावट वाली पन्नी नहीं आती। सुनो मेरी बात, ये जो है मसूरी है, मसूरी के पहाड़ों पे लाइटें जल रही है ना, तो दूर से ऐसा लग रहा है ब्लिंक हो रही है। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी है हम पता नहीं कहाँ। अरे वहाँ सामने वॉशरूम में, उधर चले जाओ। हमने सोचा थोड़ी देर का ना हॉल्ट ले लेंगे, क्योंकि यार गाड़ी चल रही थी पूरी रात से, सही भी नहीं रहता। अभी 6 बजे हैं, तो अभी गाइस बचा है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर सही बचा है। अभी हम यहाँ पेट्रोल पम्प पे खड़े हैं, हमारा एक सदस्य वॉशरूम गया है। ये हाँ भी रस कैसा लग रहा है हमें गाइस, जलता है मुझसे मजनू। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो कितना टेम्परेचर है, 1 डिग्री, या नहीं जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ, यहाँ से कितना है 78 किलोमीटर, 1.5 घंटा में लगाता हूँ गाड़ी, अभी रुको। गाइस अभी आप सामने देख सकते हो कितना प्यारा वेदर हो रहा है, और अभी सुबह के हो रहे हैं 6:47, और अभी हम जा ही रहे हैं चक्राता, यहाँ से 59 किलोमीटर दिखा रहा है। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द बेस्ट व्यू। सूरज निकल रहा होगा ना, 1 डिग्री है तो होना चाहिए, मुझे लग रहा है अभी 36 किलोमीटर भी तो है, पहाड़ों का 36 तो बहुत होता है यार। अगर वो वाला पहाड़ है ना, वो वाला ये दिख रहा नीचे वाला बीच में जो है सेंटर में, उस पर तो हो सकती है, ये तो सूखे पहाड़ हैं सारे। यहाँ तो रेता बड़ा गंगा कब्रिस्तान की मिट्टी लग रही है मुझे तो। गाइस खाई देख लो खाई, जिसको डर लगता है इसको फोबिया वाले देख लो खाई। ये हमारे भाई लोग कह रहे हैं कि गाड़ी नीचे उतार के दिखाओ फात भाई, अब आप ही जगह देखो क्या ये आपको ताने लायक लगती है। गाइस कह रहे हैं वीडियो बनाएंगे, मैंने कहा बेटे वीडियो तो खुद आ जाएगी सुबह को। तू ही दिल तू ही मेरी जान, तेरे निये नेना नेना। पहाड़ सबसे अच्छे मुझे ये लगते हैं ऐसे वाले, कौन से वाले समझ गए, लेफ्ट हैंड साइड पे जो चल रहे हैं ना पत्थर के डायरेक्ट। गाइस ये देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ बर्फ का पहाड़, ये रहा आई गेस यहाँ हम जा रहे हैं। ऑफ रोडिंग कमाल कर दिया भाई कमाल। तो कैसा मैगी चाय का सेवन करने के लिए रुक गए हैं यहाँ पे, उतरो भाई उतरो चलो। तो गाइस यहाँ पे हम चाय मैगी थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हैं, और वहाँ से ये बच्चे वहाँ से उतर गए हैं स्कूल से, ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल गए होंगे, वहाँ का स्कूल होगा। ये खड़ा है हमारा वाहन जो कि गंदा हो गया था बहुत, पानी में डाल के इसको हमने कर दिया क्लीन भी नहीं हुआ, एक तरीके से गंदा भी हो गया, बट ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है। गाइस बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो मैंने तो डिसाइड किया अंदर खाने के लिए, मैंने इन लोगों को बोल दिया कि तुम्हें खाना तुम खा लो बाहर, वो आ गया कटोरे में लेके, मैगी आ गई है गाइस घर के कटोरे में, मैं आपको दिखाता हूँ अभी घर के कटोरे में मैगी आ गई है। अच्छा यहाँ जो है ना एक चीज़ मैंने जो नोट करी है वो ये थी, यहाँ जो है धूप जैसे चुभती नहीं है ना वैसी से धूप है, कैसा उधर लिया है देखो मामला है। मेरा पाउच टांग के हुजैब भाई तैयार हो चुके हैं, एवरीथिंग दैट इज कैप्ट इन द बैग इज माइन ब्रो। तो गाइस ये आ गई है मैगी घर के चम्मच में, घर की कटोरी में, चार्जिंग पर लग जाएगा नहीं अभी, नहीं गाड़ी बंद है ऐसा ना लगता हुजैब भाई जी। वो पहाड़ देख रहे हो सफेद सा, जी इस पहाड़ का और इस वाले पहाड़ का मैंने बयाना दे दिया पीछे दुकान पे, ओके आपको इतवार के दिन आके इसके पेपर ले जाने हैं, ठीक। हरी हरी घासें जितनी भी हैं अच्छा सब साफ चाहिए मुझे, ओके ओके। और साफ कराने के बाद यहाँ जाफरान बो दो, अच्छा अच्छा अच्छा, उसके अंदर 150 हिरन घुमानी है तुम्हें मेरे लिए, अच्छा ओके। जब मैं आऊंगा पुष्प वर्षा चाहिए मुझे यहाँ पे, अच्छा सड़क हटाओ हाईवे बनाओ, ओके ओके। ये खाई हटाओ यहाँ पे हेलीपैड बनाओ, मुझे हवा में उड़ना पसंद है, अच्छा तो मैं उड़ के आया करूंगा ना कि थार से, ओके ओके। कालीन रेड होना चाहिए यहाँ पे,
ठीक है जी। और जितनी भी गहरी खाई है जी, यहाँ नदी बहुत देसी ही की। अच्छा ठीक है जी। हाँ जी जी, तो ये जो इन्होंने एल्युमिनियम के लगा दिए ना बैरिकेड साइड में, ये हटवाओ, सोने के चाहिए मुझे पूरे चकराता तक, टोटल गोल्ड। ओके, पीतल ना दिख जाए मुझे कहीं पे भी। अच्छा भाई, अब जैसे ये पीला पहाड़ आया सामने जी, इसका कलर गुलाबी कराओ मेरे लिए। अच्छा, पिंक लाइट। अच्छा, बेबी पिंक। ओके ठीक है साहब। पत्थर जो पड़े हैं नीचे, अच्छा, सबको रंगीन कर दो। ओके, लाइट ग्रीन। अच्छा, पिंक, येलो, मजिंटा, लाइट ब्लू, नेवी ब्लू, अच्छा, ब्लैक, अच्छा, एंड व्हाइट। ओके, ऑफ व्हाइट। ओके, चेरी ब्लॉसम। ठीक है साहब। ओके, जैसे बीबी में छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं, यहाँ सोने के सिक्के बिछाओ। अच्छा गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। और मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अभी पहाड़ खरीदा है, मैं आपको जो मैंने पहाड़ खरीदा है। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये वाला बर्फ का, इसका मैंने बयाना पीछे दे दिया है। अच्छा, आज से मेरी प्रॉपर्टी है, इट्स माय पर्सनल लैंड, पर्सनल माउंटेन, यू कैन कम बाय टेकिंग माय वैल्यूएबल कार्ड। अच्छा, वो आड़मू जो बात कर रहा था, आप बयान ही दे रहे थे भाई साहब, वो हमने उनको एक्स्ट्रा दे दिया। अच्छा, वो कह रहे थे 50 करोड़, मैंने कहा 100 पकड़ो जी, 50 करोड़ में बच्चों खिलाओ अपने। बस सही करा आप भाई, बच्चे हैं यार, अपने बच्चे हैं, किसी और के थोड़ी हैं। बस सही बात, समझे साहब। और बताओ क्या होना चाहिए? आप बहुत अच्छे इंसान हो फहद भाई, आपका जैसा इंसान हर कोई होना चाहिए। लो 100 रुपए उधार दो जरा। 100 रुपए उधार भाई? 100 रुपए तो है नहीं। असल में मैं किस लिए मांग रहा हूँ, मैं देखो वैसे तो बड़ा आदमी हूँ जी, मगर मैं इसलिए मांग रहा हूँ 100 रुपए, मैं कैश रखता नहीं हूँ आजकल। अच्छा अच्छा, हाँ, मोटी चैन मोटा पैसा। अच्छा, समझते हो ना डायलॉग एक? समझ गया मैं। जैसे ये सूरज निकल रहा जी, ये निकल रहा, अभी सूरज से मुझे इरिटेशन हो रही है। अच्छा, आपको क्या करना है, जब मैं आया करूंगा सूरज पे चादर डलवा दो फौरन। ओके ओके, पर्दा खींचो उसके सामने। ठीक है भाई, ये लाइट मेरे मुंह पे नहीं आनी चाहिए। अच्छा, तो गाइस मेरी बातों का मजाक में ना ले, जो कुछ भी मैंने कहा है मेरे मित्रगण अच्छे से जानते हैं, मैं कितना पावरफुल, कितना पैसे वाला आदमी हूँ। आप मुझे देख सकते हैं, चश्मा लगाया मैंने 150 रुपये का, उधार मांगा है। और मैं आपको दिखाऊं मेरे पीछे का जो व्यू है चकराता जाते हुए, बस जो चीज़ मुझे एक्चुअली पसंद आ जाती है मैं वो पे आउट कर देता हूँ उसका। तो गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल गोल्डी मनी।